14 एक 1967 दूसरे पेज के पहली लाइन में बात चल रही थी, सबको निमंत्रण देना है। ढिंडोरा पीटना है, बाबा आया हुआ है, क्योंकि बाबा बाबा करके ये बहुत मीठा अक्षर है। बाबा जिसे ग्रैंडफादर कहा जाता है, उसका वर्षा हम मनुष्य आत्माएं अभी ले रहे हैं। वो शिव बाबा है, शिव बाप नहीं, परंतु शिव बाबा की आत्मा में शिव बाप की याद समाई हुई है, इसलिए शिव बाप ने ब्रह्मा मुख से बोला है, तुम मुझे जितना याद करते हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो शिव बाबा ग्रैंडफादर मनुष्य आत्माओं का ग्रैंडफादर, धर्म पिताएं ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं, और उन ग्रेट फादर्स का भी फादर जो हर धर्म में गाया हुआ है, आदम और एडम। आदि पुरुष तो सभी धर्मावलंबियों का बाप तो अलग अलग है, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि, परंतु उन धर्म पिताओं का भी बाप सारी मनुष्य सृष्टि का बाबा है। वो शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, क्यों? शिव बाबा ही स्वर्ग की स्थापना क्यों करते हैं, धर्म पिताएं क्यों नहीं कर पाते? शिव बाप जो आत्माओं का बाप है, वो स्वर्ग की स्थापना नहीं करता क्या? बाप माना ही वर्षा, शिव बाप निराकार आत्माओं का बाप है। निराकार से क्या निराकारी वर्षा चाहिए? निराकार बाप से कौन सा वर्षा मिलेगा? साकारी बाप से साकार वर्षा मिलेगा, निराकारी बाप से निराकारी ज्ञान का वर्षा मिलता है। क्योंकि वो एक ही आत्माओं का बाप है जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, और सभी आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने के कारण
आगे और पूर्व जन्म की बातों को नहीं जानती, इसलिए वो आत्माओं का बाप शिव, जो सिर्फ आत्मा आत्मा भाई भाई का बाप है, बाबा नहीं। बाप का बरसा, बाप जिस बच्चे को देना चाहे उसको मिलेगा, न देना चाहे नहीं मिलेगा। लेकिन बाबा का बरसा, डाडे का बरसा, ग्रैंडफादर का बरसा जरूर सबको मिलता है। तो शिव बाप जो ज्ञान का खूट भंडार है, ऐसा खूट भंडार जिसमें से कोई सारा ही ज्ञान का भंडार निकाल ले तो भी यह खूट भंडार बचता है। कम होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो गर्भ से जन्म ही नहीं लेता। जो गर्भ से जन्म लेते हैं वो आत्माएं जन्म मृत्यु के चक्र में आने के कारण सुख दुख की दुनिया में आते हैं, सुख भी भोगते हैं तो दुख भी भोगते हैं, क्योंकि शरीर की कर्म इंद्रियों से कर्म करते हैं। और आत्माओं के बाप शिव को तो शरीर है ही नहीं, अपनी कर्म इंद्रियां ही नहीं। तो जब कर्म इंद्रियां ही नहीं तो कर्म का फल मिलेगा, मिलेगा नहीं मिल सकता। वो मुकर्रर कोई मनुष्य आत्मा के रथ में प्रवेश करता है, सवाल है कोई मुकर्रर आत्मा के रथ में ही क्यों प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, औरों में मुकर्रर रूप से क्यों नहीं प्रवेश करता। इसलिए नहीं प्रवेश करता कि वो त्रिकालदर्शी है, पांच हजार वर्ष के षष्ठ चक्र में कौन सी आत्मा इस रंगमंच पर हीरो पार्टधारी के रूप में हीरा बनकर के पार्ट बजाती है। सृष्टि के आदि में जिसे संगम युग कहा जाता है, बाद में जो चार सीन का ब्रॉड ड्रामा है उसमें सभी मनुष्य आत्माएं शरीर की इंद्रियों से सुख भोगने के कारण क्षरित होती रहती हैं। शक्ति आत्मा की छीण होती रहती है, तो जो हीरो पार्टधारी है उसकी भी शक्ति छीण तो होती है, परंतु
और महात्माओं के मुकाबले जो राजयोग सीखा है, जिसे ज्ञान योग भी कहा जाता है, गीता में कहा है सांख्य योग पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता। सांख्य अर्थात सह आख्या मन व्याख्या के साथ जो बात बताई जाए उसे सांख्य कहा जाता है। शिव बाप आते हैं, मनुष्य सृष्टि की बीज रूप आत्मा के द्वारा ज्ञान का बीज मात्र डालते हैं। पहले पहले जरूर जिस मनुष्य आत्मा में ज्ञान का बीज डालते हैं वो मनुष्य सृष्टि की बीज रूप आत्मा ही होती है। बीज बाप को कहा जाता है, वो मनुष्य सृष्टि का बाप भी है, क्योंकि मनुष्यों में तो सुप्रीम सोल बाप ने आकर के ब्राह्मणों की सृष्टि रची ब्रह्मा द्वारा, उन ब्राह्मणों की सृष्टि में नौकुरी के ब्राह्मण होते हैं, नौ धर्मों से कन्वर्ट होकर के आए हुए उन नौकुरियों के ब्राह्मणों में से जो अव्वल नंबर पुरी है सूर्यवंश, उन सूर्यवंशियों का वो बाप भी है स्पेशल, क्योंकि ज्ञान सूर्य के ज्ञान प्रकाश में वो सूर्यवंशी सितारे अपने ज्ञान को तिरोहित कर देते हैं, माना कोई अपना अलग से ज्ञान नहीं सुनाते, अपना कोई अलग से प्रकाश नहीं करते। जिन्हें सूर्यवंशी बच्चे कहा जाता है उनकी उपमा आसमान के जड़ सितारों से की जाती है, जो अपनी रोशनी को सूर्य की रोशनी में तिरोहित कर देते हैं, अपना अलग से कोई भी प्रभाव पुरस्सर नहीं करते। जबकि रा का पति जो चंद्रमा कहा जाता है, रात का स्वामी, उस रात में निकलने वाले सितारे अपने प्रभाव को पुरस्सर करते हैं संसार में, अपने को प्रत्यक्ष पहले करते हैं और ज्ञान चंद्रमा के प्रकाश को क्या कर देते,
हल्का कर देते हैं। इसलिए वाणी में बार बार आता है, ब्रह्मा मुख की वाणी में ही आता है कि ब्रह्मा की दाढ़ी की लाज रखना बच्चे। तो सूर्यवंशी बच्चे हैं जो ब्रह्मा नामधारियों में परम ब्रह्म है, उसकी दाढ़ी की लाज रखते हैं। दूसरे नंबर बार जो ब्रह्मा नामधारी हैं, उनमें ऐसा भी ब्रह्म है जो नाम मात्र ब्रह्म ने बड़ी माँ माने माँ, मनुष्य सृष्टि की बड़ी माँ के रूप में पार्ट तो बजाता है, परंतु जो ज्ञान प्रकाश पहुंचता है उस ब्रह्मा नामधारी के द्वारा, वो ज्ञान प्रकाश की व्याख्या नहीं हो पाती। क्योंकि ज्ञान प्रकाश की व्याख्या करने के लिए बुद्धि का स्तर सूर्य के समान होना चाहिए। वास्तव में चंद्रमा से रोशनी लेता है, जिसे पृथ्वी तत्व कहा जाता है, धरणी माता कहा जाता है। जिस धरणी माता का संपन्न रूप महालक्ष्मी कहा जाता है, जैसे नारायण और लक्ष्मी दोनों के संस्कार मिलते हैं तो विष्णु रूप कहा जाता है, वैसे ही महालक्ष्मी का पार्टधारी भी जिस महालक्ष्मी को चार भुजाएं दिखाते हैं वो डबल आत्मा हैं। एक आत्मा धरणी का जड़त्वमयी बुद्धि का पार्ट बजाती है, उसकी पहचान है कि वो आत्मा हीरो पार्टधारी के साथ लंबे समय तक रहती तो है, संग लेती है, परंतु उससे पहचान नहीं पाती कि ये मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है। इसलिए जड़त्वमयी बुद्धि वाली है,
और जो चैतन्यमयी बुद्धि है जिसे कहें लक्ष्मी की आत्मा, क्योंकि प्रत्येक पार्टधारी पांच दस जड़ तत्वों का संघात शरीर और आत्मा के मेल से पार्टधारी बनता है, नहीं तो पार्टी नहीं बजा सकता। तो जड़त्वमयी प्रकृति के रूप में वो जगदम्बा मानी जाती है, जो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं जगत में है उन सब की अम्बा है। और दूसरी ओर ऐसी भी माता है जो जगत की अम्बा नहीं है, 500-700 करोड़ की अम्बा नहीं है, भारतवासियों की अम्बा है, भारत माता कहा जाता है। तो पहली अव्यक्तवाणी में ही बोला भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। तो ये दो आत्माएं माता के रूप में पार्ट बजाती हैं और संपन्न रूप धारण करने पर महालक्ष्मी कही जाती है। ये माताएं हैं मनुष्य सृष्टि की, एक सारे जगत की माता कही जाती है, एक सिर्फ भारतवासियों की माता कही जाती है। तो जो भारतवासियों की माता है तो कोई कारण होगा कि उसे ही भारत की माता क्यों कहा जाता है, भारत माता शिव शक्ति अवतार। क्या दूसरी देवियां या नौ देवियां जिनकी पूजा भारत में होती है वो शिव की शक्तियां नहीं है? जो गाया हुआ है असुर संगायणी शिव शक्तियां, तो सभी भारतवासी जानते हैं कि नंबरवार नौ देवियों की पूजा होती है। अव्वल नंबर में किसकी? लक्ष्मी की पूजा होती है जिसे कहते हैं महागौरी। गोरेपन में महानता का पार्ट बजाया, गोरा कर्म किया है, काला कर्म नहीं किया। काला कर्म क्या? जिसे कहा जाता है काला मुंह कर लिया, अर्थात व्यभिचारी आत्मा बन गई। इस मनुष्य सृष्टि में एक ही आत्मा है जो जन्म जन्मांतर एक ही आत्मा का संग का रंग लेकर के समान संकल्पधारी बनती है, पार्ट बजाती है।
जिसका समान संकल्प रूपी बीज, उसकी वाचा भी समान होगी, कर्म भी समान होंगे या विपरीत होंगे? समान होते हैं। तो वो अव्वल नंबर देवी है, शिव शक्ति है, क्योंकि मन, वचन, दृष्टि, वृत्ति और कर्म इंद्रियों के कर्म में अनुकूल पार्ट बजाने वाली है, प्रतिकूल पार्ट बजाने वाली नहीं है। सृष्टि के आदि में वही एक आत्मा है जिसके लिए ये अभी भी गायन चला आता है कि घर की धरित्री अच्छी हो तो घर स्वर्ग बन जाता है, और घर की धरित्री अगर अच्छा कर्म करने वाली नहीं है, अच्छी वाचा चलाने वाली नहीं है, अच्छी दृष्टि वृत्ति वाली नहीं है, तो घर नरक बन जाता है। वास्तव में सुख की सृष्टि सतयुग त्रेता को स्वर्ग कहा जाता है। जिस स्वर्ग का रचने का कार्य माताओं को रखा जाता है, आगे क्योंकि शास्त्रों में भी प्रसिद्ध है, जो स्वर्ग का निर्माण करने वाला ज्ञान है, स्वस्थिति में स्थिर होने का ज्ञान है, स्व माने आत्मा, उस ज्ञान को प्रैक्टिकल रूप देने वाली वही एक आत्मा है जिसे भारत माता कहा जाता है। कैसी माता? भारत माता। बा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगी रहने वाली। ज्ञान की रोशनी में प्रैक्टिकल कर्म इंद्रियों से लगी रहने वाली या सिर्फ वाचा और वाइब्रेशन से लगी रहने वाली है? सिर्फ वाइब्रेशन और वाचा के आधार पर ही नहीं, वाइब्रेशन के साथ साथ दृष्टि से भी, कर्म इंद्रियों के कर्म से भी, अब व्यभिचारी कर्म, करने और कराना सिखाने के कारण वो स्वर्ग का संगठन बनाती है जिसे माला कहा जाता है, माला रूपी संगठन। माला रूपी संगठन तो इस संसार में बनता है, जो बाप ने बोला ब्रह्मा मुख के द्वारा कि मैं नरक के बीच स्वर्ग स्थापन करता हूं, लेकिन उस स्वर्गीय संगठन की प्रत्यक्षता तब होती है जब स्वर्गीय संगठन में आने वालों के अलावा इस सृष्टि में
नर की आत्माएं भी बची रहती है, जो सृष्टि के पहले पहले स्वर्गीय संगठन में नहीं आ पाती। जिस स्वर्गीय संगठन की राजधानी के बारे में बाप बोलते हैं ब्रह्मा मुख के द्वारा कि मैं आता हूं, तो दक्ष से तुम्हारी राजधानी स्थापन कर देता हूं। माना छत्तीस में नहीं आया ना, ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तब भी नहीं आया ना। संचत्तर की जो घोषणा की थी, पुराने ब्राह्मणों की दुनिया का विघटन और नई ब्राह्मणों की दुनिया का स्थापना का कार्य संपन्न होता है, जिसमें बाप का प्रत्यक्षता वर्ष संचत्तर ब्राह्मणों की दुनिया में गाया जाता है। और वो संचत्तर सुप्रीम सोल बाप, जो सुप्रीम गॉड फादर के रूप में संसार में प्रसिद्ध है, वो निराकार बाप आत्मा के रूप में जो हीरो हीरोइन का पार्ट बजाने वाले हैं, उनके द्वारा प्रत्यक्ष हो जाता है संसार में। जैसे कोई भी माता के गर्भ में बच्चा प्रत्यक्षता रूपी जन्म नहीं लेता है पहले पहले, पहले जड़ भ्रूण माता के गर्भ में पलता है और वो भ्रूण बड़ा होने पर पांच तत्वों का जड़ पिंड जब बन जाता है, हाथ पांव नाक आंख कान वाला, तब उसमें आत्मा प्रवेश करती है। ऐसे ही बेहद में समझ लो, जो बेहद मनुष्य सृष्टि है, जिस मनुष्य सृष्टि को भगवान आकर के वसुदैव कुटुंबकम का रूप देता है, कुटुंबकम माना परिवार, उस परिवार में जो पिता के अंदर बीज होता है वेद में ज्ञान का बीज, वो बीज माता धारण करती है, प्रैक्टिकल में धारण करती है। और वही जो जड़त्वमयी पिंड वाला शरीर है, जिसे जड़ लिंग कहा जाता है,
जिसे गीता में भगवान का जड़ शरीर रूपी रथ कहा गया है। मैं किसका आधार लेता हूं? रथ का आधार लेता हूं या आत्मा का आधार लेता हूं? रथ का आधार लेता हूं। तो संक्षेप्तर है वो मनुष्य सृष्टि के बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। सुप्रीम सोल बाप के प्रत्यक्षता वर्ष की बात नहीं है, मनुष्य सृष्टि का जो बाप है जिसे ब्रह्मा की वाणी वेद वाणी में भी बोला है क्या बोला है? ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना 10 वर्ष में हो जाएगी। और लक्ष्मी नारायण का जन्म हो जाएगा। ये नहीं कहा कि लक्ष्मी नारायण जो रचना है उस रचना का रचयिता बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा। प्रत्यक्षता रूपी जन्म ले जाएगा। उसके लिए तो बोला है कि तुम बच्चे, कौन बच्चे? तुम बच्चे। किसको बोला? ये बच्चे नहीं बोला, वो बच्चे नहीं बोला, तुम बच्चे। किसको बोला है? तुम सन्मुख बैठने वालों को बोला जाता है, जो ब्रह्मा की वाणी में पहले ही इशारा दे दिया। आत्मा रूपी सुई की बेसिकली सारी अटकट उतरने पर तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखोगे। तो कौन से बच्चों की बात है? जिन्होंने 76 के बाद बाप से डायरेक्ट सीखना शुरू किया। उससे पहले बाप का परिचय कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी को था ही नहीं। कौन सा बाप है? आत्माओं का बाप या मनुष्य सृष्टि का बाप? मनुष्य सृष्टि का बाप वही एक आत्मा है, मनुष्य सृष्टि की बीज रूप, जिसके मुकर्रर रथ में, जड़ रथ में परमपिता शिव, सुप्रीम गॉडफादर प्रवेश करते हैं। जिसके लिए गीता में भी बोला है रथ रूपी शरीर के लिए बोला, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। हे अर्जुन, ये जो तेरा शरीर है
शरीर रूपी रथ है, ये धर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है। क्षेत्र माने युद्ध का स्थान। जो गीता का पहला श्लोक है, क्या धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म की युद्ध भूमि में, तो एक धर्म की युद्ध भूमि होगी या अनेक धर्मों की युद्ध भूमि होगी। अनेकता होती है तब युद्ध होता है, लड़ाई होती है, या एक ही धर्म संसार में होगा तो युद्ध होगा। तो कलह क्लेश का युग है, जहां इस दुनिया में सबसे जास्ती कलह क्लेश बढ़ जाते हैं, लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, खास धर्मों की बात को लेकर के, और उन धर्मों के आधार पर जो अनेक प्रकार के कर्मकांड बनाए जाते हैं धर्म पिताओं के द्वारा, उन धर्म पिताओं के धर्मावलंबियों के द्वारा, वो कर्मकांडों को लेकर के बहुत झगड़ा होता है सारी दुनिया में। जैसे मिसाल के तौर पर भारतवासी शरीर छोड़ने के बाद आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ऐसे समझकर आत्मा के द्वारा त्यागा हुआ शरीर उसको विनाशी समझ करके उसको जलाए देते हैं, राख बनाए देते हैं। ये परंपरा कहां से शुरू हुई, संगम युग से कैसे शुरू हुई? संगम युग में भगवान बाप जब आते हैं तो जो पक्के पक्के आत्मा बनने वाली, पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, जिन्हें सूर्यवंशी कहा जाता है, वो अपने देवान को जला देती हैं ज्ञान अग्नि में, योग अग्नि में राख कर देती हैं। जो वाणी में बोला है अब देखेंगे, लाखों में से एक, करोड़ों में से एक कौन निकलते हैं, जो अपने को राख बनाए देंगे। मन देवान का अंश मात्र भी न रहे, टोटल 84 जन्म लेने वाली आत्मा बन जाए, और इतना ही नहीं, 84 जन्म लेने वाले बच्चों को जन्म देने वाले भी बन जाए नई सृष्टि में। ऐसा देवान को राख बनाने वाले कौन निकलते हैं, कितने निकलते हैं, वो भी देखेंगे। तो भक्ति मार्ग में अंधा श्रद्धालुओं ने देह को जलाना शुरू कर दिया। वास्तव में ज्ञान मार्ग के अनुसार देह अभिमान को जलाने की बात है योगाग्नि में। और विदेशियों ने क्या किया,
जो विदेशी विधर्मी आत्माएं हैं वो पूरे 84 जन्म किस लिए नहीं लेती है? क्योंकि अपने देवान को पूरा पूरा जलाए नहीं पाती योगाग्नि में। योगाग्नि में क्यों नहीं जलाए पाती? क्योंकि भगवान आकर के जो ज्ञान देता है उस ज्ञान की कदर नहीं करते हैं। उस ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करना तो दूर, उस पर पूरा मनन चिंतन मंथन भी नहीं करती। मनन चिंतन मंथन करना तो दूर, अगर कोई मनन चिंतन मंथन करने वाला गीता ज्ञान को विस्तार से समझाने वाला सांख्य योगी निकलता है, जो गीता ज्ञान को व्याख्या के सहित समझाता है, एक एक शब्द और एक एक अक्षर का, एक एक वाक्य का विस्तार समझाता है, उस तरफ उनकी बुद्धि जाती ही नहीं। कोई महत्व नहीं देते, और आगे पीछे महत्व देते भी हैं तो नंबर बार। इसलिए पूरा ज्ञान न होने के कारण वो सुप्रीम सोल बाप, जो आत्माओं का बाप है और मनुष्य सृष्टि का जो बाप है, दोनों को सही तरीके से नहीं पहचान पाते। जो ब्रह्मा मुख से निकली वेदवाणी मुरली में कहा गया है कि बच्चे त्रिमूर्ति में बाप का परिचय दो, परंतु बच्चे तिक तिक करते रहते हैं। बाप का परिचय देते ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? समझा है या नहीं समझा है? है? अगर समझा भी है तो अधूरा समझा है। इसलिए अधूरा ज्ञान लेने के कारण जो कहा जाता है नीम हकी में खतरे जान, जिन बाप के निश्चय बुद्धि बच्चे बनते हैं और कल अनिश्चय बुद्धि की मौत मर जाते हैं। तो जन्म मृत्यु के संसार में है, मृत्यु लोक में है या अमर लोक में? मृत्यु लोक में है। पता नहीं कब किसकी मौत आ जाए, पता नहीं माया कब किसको खा जाए, और खाती भी रहती है, जबकि अभी फाइनल पेपर नष्टो मोहा स्मृति लब्धा नहीं हुआ है। नष्टो मोहा का मतलब देह से नष्ट मोहा, देह कैसे बचेगी? अगर लौकिक धंधा नहीं करेंगे
स्थिति कैसे होगी। चिंता लगी रहती है। जबकि होना चाहिए, अगर बाप का पक्का बच्चा है, औरस बच्चा है, तो जो बाप का धंधा वो बच्चे का धंधा होना चाहिए। उसे कहेंगे पक्का ब्राह्मण, नहीं तो दो चार छह घंटे के लिए ईश्वरीय सेवा में बुद्धि लगती है। आत्मिक स्थिति में रहने का प्रयास करते हैं और बाकी सारा दिन और रात लौकिक दुनिया में बुद्धि घूमती रहती है। तो ज्यादा संग का रंग किसका लगेगा है? लौकिक दुनिया का ज्यादा संग लग जाता है और वो रंग भी देखने में आता है। कहते भी हैं, जैसी अवस्था पहले बनती थी जब ज्ञान में आए थे, चाहे बेसिक में चाहे एडवांस में, वैसी अवस्था अब नहीं बनती। क्या कारण हुआ? कारण है संघ का रंग बदली नहीं किया। करना है सत्य का संग, और ज्यादा टाइम देते हैं असत्य की दुनिया में। तो पहला नष्ट हुआ अपनी देह से, दूसरा नष्ट हुआ देह के पदार्थों से, दुकान मकान खाने पीने और पहनने के पदार्थ, खाने के लिए जिंदा नहीं रहना, पुरुषार्थ करने के लिए पाव भर आटा, ब्रह्म वाक्य में बताया, नमक डाल के रोटी बना लो, नहीं तो पानी में रात में अनाज भिगो दो और सुबह को हो सके तो अंकुरित बना के खा लो, पाव भर सिर्फ। जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे? लेकिन नहीं, देह का अच्छे से अच्छा पोषण करने के लिए बहुत आपस में लड़ाइयां लड़ेंगे। लौकिक धंधे वाले भी ये लड़ाइयां लड़ते हैं और अलौकिक में जो समर्पण होकर के चलते हैं वो भी आपस में बहुत लड़ाइयां लड़ते हैं। हमको ये चीज क्यों नहीं मिली, वो चीज क्यों नहीं मिली, उसको क्यों मिली, इनको क्यों मिली, हमको क्यों नहीं मिली, सारा दिन संघर्ष के संकल्प में बुद्धि चली जाती है। तो पदार्थों से भी नष्ट मोह, तीसरा
देह के संबंधियों से नष्ट हो वह। कौन सा संबंध है? जिसका मोह टूटता ही नहीं, बौधा करके देखा जाए तो मृत्यु के समय में भी वो संबंध बुद्धि में याद आता है। बताओ संबंधों के बीच में कौन सा संबंध है? है पति और पत्नी का संबंध। ये इतना गहरा मानसिक संबंध है कि अंत समय में जरूर याद आ जाता है, क्योंकि सारा जीवन स्त्री को पुरुष से ज्यादा सुख मिलता है और पुरुष से स्त्री को ज्यादा संबंध सुख मिलता है। तो सुख का बंधन बंध जाता है और जिसकी याद में शरीर छोड़ते हैं वो ही चोला मिल जाता है, अंतमते सोगते हो जाती है। और भी ढेर संबंध है, बच्चा बच्ची भाई भौजाई नाना चाचा काका ढेर सारे संबंध, जीजा जीजी बहन बहनोई, इतना तंग करते हैं बुद्धि को कि सारे संकल्प की शक्ति मिलकर के ईश्वरीय बुद्धि योग को तोड़ देती है। तो अंत समय में नष्टो मोहा के पेपर में फेल हो जाते हैं। इसलिए तुलसीदास ने 400-500 वर्ष पहले ही लिख दिया, अगर ऊंचते ऊंच विष्णु पद पाना है तो तन धन धाम स्वर्ग परिवार सबकी ममता ताग बटोरी, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ऐसी मन की स्टेज बनाएंगे तो जन्म जन्मांतर के लिए शिव बाबा के साथ रहेंगे। किसके साथ रहना है? शिव बाबा के साथ रहना है या शिव बाप के साथ रहना है? क्यों? इस सृष्टि पर सदा कायम शिव बाबा है, तो जो सदा कायम है और शिव बाबा सुख का सागर है, ज्ञान का सागर है, ऐसे नहीं कि संगम युग में ही ज्ञान का सागर है। सतयुग में भी आत्मा की बीज रूप स्टेज में ज्ञान के सार में टिकने वाली आत्मा है और लंबी आयु तक टिकने वाली आत्मा है, क्योंकि
संगम युग में योग बल से क्या बढ़ता है? आयु बढ़ती है। योग बल ज्यादा होगा तो सतयुग त्रेता में निश्चित रूप से लंबी आयु होगी, और योग बल कम होगा तो जन्म भी कम हो जाएंगे और आयु भी कम हो जाएगी। और सतयुग त्रेता 21 जन्म स्वर्ग के आधार पर 63 जन्म का भी हिसाब किताब बन जाता है। इसलिए संगम युग में नष्टो मोहा बनेंगे, काहे काहे से है? अपनी देह से, देह के पदार्थों से, देह के संबंधों से और देह के संपर्कियों से भी, क्योंकि हरेक के जीवन में ढेर के ढेर संपर्क में आने वाली आत्माएं होती हैं, संबंधी तो फिर भी कम होते हैं, तो सबसे नष्ट मोह। ये हुआ तरीका कि बुद्धि योग एक शिव बाबा में कैसे एकाग्र हो। जैसे गीता में बताया अर्जुन को, क्या बताया? अभ्यास अनु तो कौनते वैराग्य अनु च गृह्यते। क्या अभ्यास से मन एकाग्र हो जाएगा, पकड़ में आ जाएगा, लेकिन अभ्यास भी उनका पक्का होगा जो अपनी देह से वैराग करें, अपनी देह से भी विराग, वी माने विपरीत, राग माने प्रेम, देह से भी कोई प्यार नहीं, जो ब्रह्म वाक्य में बोला शरीर बल कैसा भी हो लेकिन आत्मा पावरफुल होनी चाहिए। पावरफुल आत्मा होगी तो शरीर चाहे कैसा भी वृद्ध हो जाए, बीमार हो जाए, उस बीमार और बूढ़े तन से भी आत्मा जितनी सर्विस कराना चाहे करा सकती है। कौन सी आत्मा? योगी आत्मा या भोगी आत्मा? योगी आत्मा करा सकती है। तो अभ्यास भी कब पक्का होगा? याद का बार बार अभ्यास करो। याद का अभ्यास तीव्र बने इसके लिए क्या तरीका बताया? बैराग। काय काय से बैराग है? देह से, देह के पदार्थों से, देह के संबंधियों से, संपर्कियों से टोटल बैराग आ जाए, कोई काम के नहीं, सब धोखेबाज हैं। जैसे यज्ञ के आदमी 7-7 तालों के अंदर बंद करके रखा हुआ था, इतने मोही थे। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का
खून खराबे की लड़ाई हुई तो सब ताले खुले छोड़ करके भाग गए और जिनको स्वतंत्र होना था वो स्वतंत्र हो गए। तो देखो वो देह के संबंधी जो बड़ा प्यार दिखाते थे कि हम ही तुम्हारी रक्षा करने वाले हैं, वो चौकड़ी मार के भाग गए। जो आदमी हुआ वही बात ब्राह्मणों की दुनिया में अंत में भी जरूर होने वाली है, आदि सो अंत। इसलिए इस बात को, गीता के इस श्लोक को कान खड़े होकर के सुन लेना चाहिए। क्या चंचल मन को एकाग्र करने का क्या तरीका बताया है? नष्ट मोह। काहे से जो बताया, हम बोलते भी आते हैं ज्ञान में आने के बाद, जहां हमारा तन होगा वहां हमारा मन होगा, मन अपने आप वहां एकाग्र हो जाएगा। तन की शक्ति जहां लगाएंगे, ज्यादा समय लगाएंगे, वहां मन ऑटोमेटिक जाएगा, अभ्यास स्वतः ही पक्का हो जाएगा। दूसरी बात, जहां हमारा धन होगा वहां हमारा मन होगा। जैसे कोई देर माताएं सरेंडर होती है, सरेंडर होने से पहले अपने हिस्से की प्रॉपर्टी बच्चों को देकर कहा जाता है। तो बताओ, भले दुनिया की नजरों में समर्पित हो गए, फिर भी बुद्धियोग कहां भागेगा है? वहीं भाग जाएगा जहां धन दे करके आए हैं। तो ये नियम है क्या? वैराग में बड़ी ताकत है। वैराग माने विपरीत राग, राग माने प्यार। इन आंखों से जिनको भी देखते हैं, जो कुछ भी देखते हैं, विदेश में जाते हैं ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, चारों तरफ हरियाली हरियाली, सुख का अंबार दिखाई देता है। वो कुछ भी काम आने वाला नहीं है। इन आंखों से जो भी देखते हैं, सबसे वैराग। कोई भी अजीज संबंधी क्यों न हो, कितना भी प्यार दिखाने वाला क्यों न हो, समझ लो हमारा बड़े से बड़ा दुश्मन है, धोखेबाज है। ईश्वर से बुद्धियोग तुड़वाने वाला है, माया रावण का रूप है, कभी झांसे में नहीं आना चाहिए। लेकिन होता क्या है, अपने अपने वर्तमान जीवन का आकलन करें, क्या हो रहा है। 24 घंटे में से ज्यादा समय
बुद्धि का योग कहाँ जाता है? जिस साकार सो निराकार, जिस साकार में निराकार को हम याद करते हैं उसमें बुद्धि योग जाता है। कितना जाता है? भले ब्रह्मा की वाणी में भगवान बाप कहते हैं, अमृत वेले खास मुझे याद करो। देखना है कितनी देर बुद्धि योग टिकता है। जिस साकार में निराकार को याद करने का हमने संकल्प लिया, जानकर पहचान कर संकल्प लिया, कितना परसेंटेज में याद आता है? वो याद की स्टेज पास करने के लिए कम से कम सूर्यवंशी पक्की प्रजा में आने के लिए उस योग बल में कितने परसेंट मार्क्स चाहिए? है, चलो पास विदानर नहीं, फर्स्ट क्लास भी नहीं, 60%, सेकंड क्लास 45% भी नहीं, पास मार्क्स कितने होने चाहिए? 33%। और हम कितनी देर याद में टिकते हैं? कभी हिसाब लगाया है? लगाने की जरूरत नहीं। हम भगवान के बच्चे बने हैं तो भगवान ही हमारा कल्याण करेगा। अरे भगवान के बच्चे तो हैं 500-700 करोड़, लेकिन किस कैटेगरी के बच्चे हैं? कौन से धर्म में जन्म लेने वाले हैं या कौन से धर्मावलंबियों के ग्रुप में कन्वर्ट होने वाले हैं? ये अभी के याद के पास मार्क्स के आधार पर जान सकते हैं। बताया वैराग और फिर अभ्यास ऑटोमेटिक होगा, फिर भी प्रयास करना है। जब जब भूलते हैं उस मुकर्रर रथ में निराकार आत्मा को, जो निराकारी स्टेज पुरुषार्थ से धारण करती है, शिव समान स्टेज बनाती है, जो बाप बोलते हैं मैं तुम बच्चों को नंबर बार आप समान बनाकर जाऊंगा, ऐसी निराकार स्टेज, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनने वाली मनुष्य सृष्टि की बीज बाप रूप आत्मा
कितना परसेंटेज में याद आती है? सिर्फ आत्मा नहीं, रथ भी याद आए, दोनों का कॉम्बिनेशन याद आए, हमारी याद भी प्रवृत्ति मार्ग की है। जो निवृत्ति मार्ग की याद करते हैं, जैसे धर्म पिता हैं इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि, या ब्रह्मा, वो निराकार को याद करने वाले, जो धर्म पिताएं भी कहे जाते हैं, ग्रेट फादर्स, वो क्या स्वर्ग स्थापन करते हैं? क्या करते हैं फिर? हैं? स्वर्ग नहीं बनाते तो क्या बनाते हैं? मनुष्य रूप में नर हैं। नर नरक बनाता है। जो यहां संगम युग में शिव बाप ने जो युक्ति बताई, ज्ञान का भंडार दिया, जिसको हम श्रीमत कहते हैं, ब्रह्मा मुख से मिली हुई श्रीमत, अगर उसकी गहराई को स्वयं नहीं समझ सकते तो कम से कम उस मुकर्रर रथ को ढूंढें। पहली बात ये करें, इस मनुष्य सृष्टि में या ब्राह्मणों की सृष्टि में वो मुकर्रर रथ कौन है जिसके लिए ब्रह्म वाक्य में बोला है, मुरली में बोला है, मैं एक ही तुम्हारा बाप भी हूं, मैं एक ही तुम्हारा टीचर भी हूं, और मैं एक ही सदगुरु भी हूं। तीनों पार्ट एक ही आत्मा के मुकर्रर रथ द्वारा चलते हैं। वो मुकर्रर रथ ढूंढना है, कम से कम इतनी बेसिक नॉलेज और एडवांस ज्ञान लेना है जो सुप्रीम सोल बाप आत्माओं का बाप आत्मा रूपी भाइयों के बीच में जो बड़ा भाई है कौन? जिसे धर्म पिताओं ने एडम आदम आदि देव कहा, उस आदम को पहचान सके, भले मुसलमान कहते भी हैं आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। इसलिए शिव शंकर को मिला के एक कर देते हैं, एक ही नामधारी देवता है जो महादेव कहा जाता है, जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। उस आत्मा को इस मनुष्य सृष्टि में ब्राह्मणों की दुनिया में पहचानना है, जान करके, पहचान करके, पहले खुद निश्चय बुद्धि बनना, फिर दूसरों को समझाना,
खुद ही घड़ी घड़ी अनिश्चय आता है तो दूसरों को क्या बनाएंगे, निश्चय बुद्धि बनाएंगे या अनिश्चय बुद्धि बनाएंगे? अनिश्चय बुद्धि क्या कहने, अनिश्चय बुद्धि विनश्यति। आज बच्चा बनेगा, कल बाप का बच्चा मर जाएगा। इसलिए बोला कि शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, ये नहीं बोला जैसे धर्म पिताएं समझते हैं, अंग्रेज लोग समझते हैं हेवनली गॉडफादर। फिर उनसे पूछो कौन है, कहते निराकार है। अरे निराकार अकेली आत्मा कैसे कार्य करेगी, इस बात का कोई जवाब नहीं उनके पास। तो बाप ब्रह्मा मुख से बताते हैं, आत्माओं का बाप बताते हैं कि शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, मना स्वर्ग की स्थापना स्वस्थिति में निरंतर रहने वाला करेगा या कोई और भी कर सकता है? है स्वर्ग की स्थापना कौन करेगा, जो निरंतर स्वस्थिति में रहने वाला हो, कोई अंतर न पड़े। ऐसी निरंतर याद का अभ्यास करने वाला हो, ऐसी निरंतर याद में टिकने के लिए देह की दुनिया, देह के संबंधी पदार्थों से नष्ट मोह होने वाला हो, चारों ओर से ममता हटा करके एक सुप्रीम सोल ने, निराकार ने जो निराकारी वर्षा दिया है, ज्ञान का वर्षा, उस ज्ञान के प्रकाश में ही रत रहने वाला भारत नामधारी हो, और जो संगम युग में रहता है ज्ञान के प्रकाश में रत रहता है, जिसका दूसरा नाम नारायण भी है, नारायण, नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर, जो ज्ञान का ही घर बनाकर रहता है। इसलिए साक्षात्कार से जो लक्ष्मीनारायण का चित्र बनाया है उसमें ध्यान से देखो लक्ष्मी नारायण कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, प्रकाश की दुनिया में है या पांच तत्वों की दुनिया में है, प्रकाश की दुनिया में। और राधा कृष्ण है पांच तत्वों की स्वर्गीय दुनिया में है। तो ऐसी आत्मा को संगम युग में पहचानना जरूरी है। बिना जाने बिना पहचाने ढिंडोरा पीटने की तो बात बोली कि दुनिया में ढिंडोरा पीटना है कि हेवनली गॉडफादर हेवन रचयिता आया हुआ है, जो हेवन की रचना कोई धर्म पिता नहीं कर पाता। ऐसा झूठा काम नहीं करना है, कि खुद निश्चय बुद्धि नहीं और दूसरों को
निश्चय बुद्धि बनाए और उनसे पाप करवा लें, स्टाम्प पेपर पर निश्चय पत्र लिखवा लें। ये बरगलाने की बात हुई या सच्ची सेवा हुई? है बरगलाने की बात हो गई। खुद पक्का निश्चय बुद्धि नहीं है, दूसरों को निश्चय बैठाने का दिखावा कर रहे हैं दुनिया को। तो देखो, हमने भगवान को पहचाना है तो ढिंडोरा देना पीटना कि भगवान आया हुआ है, प्रैक्टिकल में साकार में आया हुआ है, हमने पहचाना है, तुम भी पहचानो, ये निमंत्रण देना दिखावा मात्र है। क्रिश्चियनिटी ये क्रिश्चियन धर्म में जाने का उपक्रम मात्र है। अगर थोड़ा भी बाप में संशय आता है, बाप के पार्ट में संशय आता है, संशय बुद्धि विनश्यते, अरे भाई शुभ बोलो ना, क्यों विनाश की बात करते हो? अरे शास्त्रों में तो ऐसा ही लिखा है कि ब्रह्मा ने 3 बार ब्राह्मणों की सृष्टि रची, 3 बार बिगाड़ दी, नष्ट कर दी। शूटिंग कहाँ होती है? ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में शूटिंग हो रही है। सन 36 में जो ब्राह्मणों की सृष्टि रची थी, जिसका नाम संगठन का पड़ा था ओम मंडली, वो ओम मंडली 42 के बाद विघटन हुई और 45 में जब बाहर की दुनिया में एटमिक विनाश का भयंकर तूफान हुआ, उसी समय ज्ञान मार्गी ब्राह्मणों की दुनिया में सूर्यवंशी वो हीरे समान आत्माओं का विघटन शुरू हो गया और 45 में पूरा ही विघटन हो गया। टूट गई है माला, मोती बिखर गए, 2 दिन रहकर साथ न जाने किधर गए। बाहर की दुनिया में भी ये शूट वो रिहर्सल चला था। हिरोशिमा क्या हीरो की क्षमा नाम दे दिया, काम हीरो पार्टधारियों के हो या न हो, भक्ति मार्ग में नाम तो है हीरो क्षमा। नष्ट हो गई, पूरी नगरी का संगठन नष्ट हो गया, ये पहला विनाश हुआ। ब्रह्मा के द्वारा दूसरा संगठन ब्राह्मणों का बना, उसका नाम क्या पड़ा? है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। पहला संगठन टूट गया, ओम मंडली खलास हो गई, पहले भी लोग कहते थे सिंध हैदराबाद में ओम मंडली के बारे में, अरे ये ओम मंडली झूठी है, ये गई कि गई। और बाप ने क्या कहा? ओम मंडली आ माने ब्रह्मा, ऊ माने विष्णु, है
माँ माने महेश, ये तीन आत्माओं की जो मंडली है, संगठन है, दी रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, ये नष्ट होने वाली नहीं है। ड्रामा में ये दिखाई पड़ा कि नष्ट हो गई, ब्राह्मणों का दूसरा संगठन बन गया, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम पड़ गया, वो दूसरा संगठन भी विघटन की शुरुआत तब हुई जब मम्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया। जब इस जैसे सभी धर्मों में ये हाल होता है, धर्म पिताएं जब तक रहते हैं धर्म का उत्थान होता है, धर्म पिता जब शरीर छोड़ देते हैं उनके फॉलोअर्स उस धर्म का सत्यानाश करने लग पड़ते हैं। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद 18 जनवरी 1969 को विघटन की शुरुआत हो गई। देहधारी धर्मगुरुओं के मनसा में उसी वर्ष ब्राह्मणों की दुनिया में उन देहधारी धर्मगुरुओं ने अपने अपने जॉन अलग अलग कर लिए और उन जॉन्स के जॉनल इंचार्ज बन के बैठ गए। पहले सारे भारत के सेंटर्स का संचालन माउंट आबू से होता था, बाद में ये विघटन का काम हो गया। और 76 तक आते आते जो बाप ने पहले ही वाणी में घोषणा कर दी थी, क्या 10 वर्ष में पुरानी दुनिया का विनाश, उन्होंने सारी दुनिया का विनाश हो जाए। अरे बेहद का बाप बेहद की बातें करते हैं, बेहद ब्राह्मणों के बच्चों से बात करते हैं या दुनिया वालों से बात करते हैं? बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बात करते, ब्राह्मणों की दुनिया की विघटन की बात है। 76 से ब्राह्मणों की दुनिया का विघटन हुआ, नई दुनिया की स्थापना हुई और लक्ष्मी नारायण वाली आत्माओं ने प्रत्यक्षता रूपी जन्म ले लिया, आत्माओं ने जन्म ले लिया, जीव आत्माओं ने नहीं बोला, शरीर की बात नहीं। कोई ब्राह्मणों की दुनिया में 76 में ऐसी आत्माएं थी जिनको पक्का निश्चय हो गया, कोई को ज्ञान के आधार पर और कोई अव्वल नंबर सीता रूपी भक्तिन होने के आधार पर साक्षात्कार से ये पक्का निश्चय बैठता गया कि मैं आने वाली नई दुनिया में, नए संगठन में, नई राजधानी में लक्ष्मी बनूंगी। और नारायण वाली आत्मा को ये निश्चय हो गया साक्षात्कार के आधार पर, भक्ति मार्ग के आधार पर या ज्ञान मार्ग के आधार पर, आत्माओं के बाप शिव ज्ञान के भंडार ने जो ब्रह्मा के द्वारा वेदवाणी बोली, गीता ज्ञान सुनाया, उस गीता ज्ञान के आधार पर पहले पहले उस आत्मा को अपने स्वरूप का बुद्धियोग से साक्षात्कार होता है। इस मनुष्य सृष्टि में मेरा अव्वल नंबर पार्ट क्या है,
तो ये दूसरा विनाश संक्षेत्र में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का ईश्वरीय महावाक्य के आधार पर टोटल विनाश हो गया। कोई भी छाती ठोक कर नहीं कहता था उससे पहले कि हमने साकार रूप में आए हुए गीता के भगवान गीता पति को पहचान लिया। वो शिव ज्योति बिंदु को ही गीता पति भगवान मानते रहे या तो दादा लेखराज को गीता पति भगवान मान लिया। जबकि पुस्तकें छपा छपा करके लोगों को बांटते रहे कि गीता का भगवान कृष्ण वाली आत्मा नहीं है, गीता का भगवान 16 कला संपूर्ण कृष्ण नहीं है, गीता का भगवान 16 कला संपूर्ण बनाने वाला भगवान है। भले वो बड़े ते बड़े देवता में आता है, देवात्मा में प्रवेश करके उसे बड़े ते बड़ा देवता महादेव बनाता है। तो ये दूसरा विनाश हो गया। तीसरे विनाश की भी ब्रह्म वाक्य में या गीता ज्ञान में घोषणा कर दी पहले से ही, तुम बच्चों को तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। माने तुम बच्चों में कोई बच्चे हैं जो 40 वर्ष पूरे होने के बाद तमोप्रधान से पार हो करके नरक की दुनिया को क्रॉस करके स्वर्गीय राजधानी में पहुंच जाएंगे। आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे और वो राजधानी बहुत छोटी होगी परंतु 100% परिपक्व ब्राह्मणों की होगी या कच्चे ब्राह्मणों की होगी। ऐसी पक्की राजधानी ब्राह्मणों का संगठन बनेगा जिसमें कोई भी विकारी पांव नहीं रख सकेगा। अभी क्या होता है? अभी कितना भी माथा खपाओ, वर्षों से वाणी सुनते चले आ रहे हैं, हंस बगुले इकट्ठे नहीं रह सकेंगे, तो भी भगवान की वाणी को लात मार के चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। भगवान से भी खौफ नहीं। अभी वो समय नजदीक आ गया क्षेत्र में बताया था नई दुनिया की स्थापना होगी और टूलेट का बोर्ड लग जाएगा। किस बात के लिए? कि नर से डायरेक्ट नारायण और नारी से डायरेक्ट लक्ष्मी फिर कोई भी नहीं बन सकेगा। दो का प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ। मन के संकल्पों के आधार पर ज्ञान युक्त संकल्प चलेंगे, अज्ञानता के संकल्प नहीं चलेंगे। उन
दोनों मनुष्य आत्माओं में, जो नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने वाले हों। बाकी पुरानी ब्राह्मणों की दुनिया का विनाश, नए संगठन की शुरुआत। उस नए संगठन में जो सुप्रीम सोल बाप इसी मुकर्रर रथ में प्रवेश करके ज्ञान का बीज डालने वाला बाप बनकर पाठ बजाता है, बाद में उस बीज रूप बाप के लोप होने पर दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की प्रैक्टिकल माता सहन शक्ति का आगार बन करके पाठ बजाता है, ब्रह्मा नाम से संसार में प्रत्यक्ष होता है। उसके बाद माता बेसिक पढ़ाई पढ़ा सकती है, हायर क्लास की पढ़ाई नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि घर गृहस्थ भी संभालना है। तो सन 76 से वही सुप्रीम सोल बाप ज्ञान का बीज डालने वाला टीचर के रूप में प्रत्यक्ष होता है। गीता ज्ञान का विस्तार से इंटरप्रिटेशन देने के लिए, व्याख्या देने के लिए, जिसको संसार में सांख्य योग का प्रणेता माना गया है, गीता में भी सांख्य योग का वर्णन है। कपिल मुनि का नाम भी आया हुआ है। सांख्य जैसे बताया, सह आख्या माने व्याख्या के साथ जो बात बताई जाए, विस्तार से बताई जाए, उसको कहते हैं सांख्य। वो सांख्य योग का प्रणेता कपिल मुनि, जिसके नाम पर कांपिल्य नगर आज भी दुनिया के नक्शे में देखा जा सकता है, इंटरनेट में भी देख सकते हैं। कंपिल नगरी जहां से ब्रह्मा के द्वारा सुनाया हुआ जो गीता ज्ञान है उसकी विस्तार में व्याख्या शुरू हुई। व्याख्या आती है मनन चिंतन मंथन के द्वारा। इसलिए बोला है ब्रह्म वाक्य में ही बोल दिया, ब्रह्मा के मुख से ही बोल दिया। अभी ज्ञानामृत नहीं कहेंगे, अभी गीता ज्ञान है लेकिन ज्ञानामृत नहीं है। अमृत पीकर देवताएं अमर बनते हैं क्या? और अमृत कैसे बनता है, सार कैसे बनता है, मक्खन कैसे बनता है? शास्त्रों में प्रसिद्ध है सागर मंथन, ज्ञान सागर का मंथन। सारे संसार में 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को ये नंबरवार मंथन करना पड़ेगा।
चाहे वो मनुष्य सृष्टि की राइटियस आत्माएं हो, राइटियस धर्म में जन्म लेने वाली या कन्वर्ट होने वाली, या लेफ्टिस्ट डालियों में कन्वर्ट होने वाली जन्म लेने वाली आत्माएं हो, उनको गीता ज्ञान का मंथन जरूर करना पड़ेगा। मंथन के बाद जो जितना मंथन करेगा वो उतना सार निकालेगा, और जितना सार निकालेगा उतनी उसकी आत्मा सार रूप कम या ज्यादा जन्म लेने वाली बनेगी। माना 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को ज्ञान का गहराई से मंथन करना पड़े, समझना पड़ेगा और जन्म जन्मांतर में जो भी आत्माएं अनेक जन्मों में संपर्क में संबंध में आने वाली हैं, उनकी सेवा भी करनी पड़ेगी। सेवा करके उनको ज्ञान में जन्म देना पड़ेगा। इसलिए हर आत्मा की अपनी अपनी दुनिया है। पांच सौ सात सौ करोड़ मनुष्य आत्माएं ये गीता ज्ञान का महामंत्र लेती है। क्या महामंत्र? मनमना भव। कौन सी आत्मा ने कहा है? शिव बाबा ने कहा? शिव बापा ने नहीं कहा है? आत्माओं के बाप ने नहीं कहा? क्यों है? हाँ, शिव बाप तो सदा अमन चैन में रहने वाला है। वो कभी बेचैन होता ही नहीं, उसको मन है ही नहीं जो चंचलता करे। वो सुप्रीम सोल बाप नहीं कह सकता मन मना भव, मेरे मन में समा जा। तो कौन सी आत्मा कह सकती है? है सुप्रीम सोल आत्माओं का बाप, जिसे मैं मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, वही आत्मा कहती है मन मना भव, मेरे मन में समा जा। क्योंकि वो आत्मा भी ब्रह्मा नामधारियों में अव्वल नंबर ब्रह्मा परम ब्रह्म है, जो शास्त्रों में गाया हुआ है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दूसरों को नमा नहीं, नमन का मतलब ये है बुद्धि झुकाना, अर्थात मन मना भव हो जाना। उसके मन में जो समाया हुआ है उसी मन में समाये हुए स्वरूप में सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं को समा जाना है। उसके मन में क्या समाता? एक बाप, दूसरा न कोई, एक ज्योति बिंदु समाया हुआ है, एक लव्य जिसे कहा जाता है, वो आत्मा कहती है मन मना भव, मेरे मन में समा जा। अर्थात दुनिया के 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं की
प्रैक्टिकल स्टेज याद की, किस रूप को याद करेगी? है जिस रूप को हम बच्चे याद करते हैं, साकार में निराकार को याद करते, उसी निराकारी रूप में हर मनुष्य आत्मा के संकल्प तिरोहित हो जाएंगे। अभी क्या है, इनके मन में अलग संकल्प, उनके मन में अलग संकल्प, हमारे मन में अलग संकल्प, उनके मन में अलग, 500 करोड़ के मन के अंदर अलग अलग संकल्प चल रहे हैं, अलग अलग संकल्पों के बलबूले उठ रहे हैं, जैसे सागर में बलबूले उठते हैं, छोटे बड़े उठते हैं, फूट जाते हैं, समा जाते हैं, उठते हैं, समा जाते हैं। तो शंकराचार्य ने कह दिया, सारी दुनिया की जो मनुष्य आत्माएं हैं या जो भी प्राणियों की आत्माएं हैं, वो सब सागर के बलबूले के समान हैं। छोटे बड़े बलबूले बनते हैं बिगड़ते हैं, बनते हैं बिगड़ते हैं। तो उन्होंने जो संकल्प किया था वो सच्चा संकल्प था या झूठा था? सच्चा था, झूठा संकल्प। क्योंकि जो बलबूले हैं, उन बलबूलों को, स्पाइसेस को इकट्ठा करो, वो खारा पानी बन जाएगा चुल्लू भर। समंदर खारा है तो चुल्लू भर पानी भी बुदबुदों का खारा रहेगा, और वो चुल्लू भर पानी बुदबुदों का संग्रह जो किया वो सागर में मिला दो, वापस आ सकेगा? है वो चुल्लू भर पानी क्या हो गया, विनाशी या अविनाशी? विनाश हो गया। तो उनकी ये कहना क्या कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, ये गलत बात है। आत्मा विनाशी नहीं है, हर एक ज्योतिबिंदु आत्मा अविनाशी है। कल्प कल्प उस ज्योतिबिंदु आत्मा में अपना अपना अलग अलग पार्ट भरा हुआ है, एक का पार्ट नहीं मिल सकता दूसरे से, लीन होने की बात ही नहीं। हाँ ये जरूर है, जैसे वृक्ष उगता है उसमें जो पहला फल लगता है, फल पकता है, उसका बीज फल में से, वृक्ष में से, टहनियों में से, जड़ों से डिटैच हो जाता है। पहले पहले डिटैच होता है ना, ऐसे ही इस मनुष्य सृष्टि की कोई आत्मा है, मूल बीज रूप जो इस सारे संसार रूपी वट वृक्ष से अपने को डिटैच कर देती है, और उस बीज के अंदर सारा वृक्ष समाया हुआ है। जैसे किसी बाप के अंदर अपना जो परिवार बनाता है बाप, कितना भी बड़ा परिवार बनाया हो, बनाने वाला हो, उस परिवार का बीज बाप के अंदर समाया हुआ है या नहीं है? समाया हुआ है। ऐसे ही इस मनुष्य सृष्टि का जो बाप है, जो अविनाशी है, ऑलराउंड पार्ट बजाने वाला है, उसका पार्ट कभी लोप होने वाला नहीं है। अविनाशी आत्मा की तो बात ही छोड़ दो, आत्मा तो है ही अविनाशी, लेकिन पांच तत्वों का उसका शरीर भी
इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच से कभी लोप नहीं होता। वो कालों का काल है, महाकाल है, जिसको दुनिया में कोई काल खा नहीं सकता। वो सारी दुनिया को खाएगा, लेकिन उसको काल के गाल में जाते हुए कोई नहीं देखेगा। अब बताओ, भारत के शास्त्रों में ऐसा कौन सा व्यक्तित्व गाया हुआ है जिसका कोई माँ बाप कोई बता ही नहीं सकता? वो जन्म और मृत्यु दोनों से परे है। है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी है, निराकार नहीं है। कौन है? शंकर, जिसे कहते हैं आदम, दूसरे धर्म के धर्म पिता है। उसके लिए बोला शिव बाबा तो स्वर्ग की स्थापना करते हैं, और वो ही शिव बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो। क्या? किसे याद करो? मुझे याद करो। अरे वाह भाई, ज्ञान सारा बापों के बाप से लिया, जो सबका बाप है उसको खुद याद किया है, और दूसरों से क्या कहते हैं? मुझे याद करो। ये तो बात ठीक नहीं है। ठीक है, ठीक नहीं? अच्छा चलो उसे याद करते हैं। सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां उसे याद करते हैं। आज भी निराकार को, ज्योति बिंदु को याद करते हैं। सभी धर्म पिताएं उसे याद करते हैं। सभी धर्म पिताओं के फॉलोअर्स भी उसे याद करते हैं। जो निराकार आत्माओं का निराकार बाप है ज्योति बिंदु, जिसकी बिंदी का ही नाम शिव है, उसे याद करेंगे तो निवृत्ति मार्ग में 5000 साल इस मनुष्य सृष्टि से बाहर रहेंगे या मनुष्य सृष्टि के अंदर रहेंगे? पसंद है? क्यों क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि हम सब मनुष्य आत्माएं भोगी हैं। उसे एक को छोड़ करके वो भोगी नहीं है, अभोक्ता है, परंतु योगी भी नहीं है। वो योग लगाता है, है? अगर कहीं लगाता है तो किसके साथ योग लगाता है? उससे बड़ा कोई है? किसको याद करेगा? अरे शंकर याद में बैठा हुआ है, चित्र दिखाते हैं चरित्र की यादगार, तो अपने से बड़े को याद करता है या छोटों को याद करता है? तो इसे साबित होता है कि शंकर की आत्मा निराकार ज्योति बिंदु अलग, और शिव की आत्मा अलग। शिव की आत्मा और शंकर की आत्मा में चित्र में ही दिखाया गया, खड़ा नेत्र। कैसा नेत्र? पुरुषार्थ में खड़ा रहता है, गिरता नहीं, अनिश्चय बुद्धि नहीं होता। और फिर उसी को कहते हैं शिव नेत्र। क्यों? क्योंकि वो शिव समान बनता है। शिव नहीं है लेकिन शिव समान बनता है। जैसे भारतीय परंपरा है, बड़े से बड़े राजाएं हुए हों, छोटे राजाएं हुए हों, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी राजाई किसको दी? बड़े बच्चे को दी। जो बड़ा बच्चा है वो बाप की प्रॉपर्टी का अधिकारी बनता है। छोटे बच्चे उस बड़े बच्चे को बाप समान कहते हैं। क्या? बाप समान मानते हैं, लेकिन बाप मानते हैं? है? बाप नहीं मानेंगे। ऐसे ही
ये शिव और शंकर दो आत्माओं का मेल है। बड़े का नाम पहले, छोटे का नाम बाद। आज भी भारतीय परंपरा में ये बात चल रही है, कंपनी का नाम रखेंगे तो बाप का नाम लेंगे, है राम को एंड संस कंपनी। बच्चे का नाम भी हटा देते हैं, क्योंकि ये सूर्यवंशी बच्चे हैं, सूर्यवंशी सितारे जो अपने प्रकाश को सूर्य के प्रकाश में तिरोहित कर देते हैं। तो वो मनुष्य सृष्टि का बाप तो है, लेकिन बाप समान स्टेज धारण करता है योग बल से, और योग बल की इसीलिए संसार में महिमा है। इसलिए योग बल से जो सिद्धि मिलती है, वो सिद्धि दुनिया में कभी कोई भी जन्म में कोई भी धर्म पिता विद्वान पंडित आचार्य नहीं दे सकता। ओम शांति।